ओके, तो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम 18 पे। E6 डिस्कस कर रहे हैं, पहले दो ही डाउट है, इसको खत्म करेंगे डिस्कस करके। तो E6 क्वेश्चन नंबर 18 किसका डाउट है? सबसे पहले वो प्यारा बच्चा अपना नाम बताएगा। ये मुकुल को डाउट है। ओके, एक बॉल को टावर के ऊपर खड़े होके वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एंगल वर्टिकल से दिया है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल से दिया होता है, लेकिन यहां वर्टिकल से दिया है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? मुकुल ऐसा गंदा सवाल पूछ रहे हो? देखो, यूं फेंका वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे, तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल जाएगा, राइट? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को क्या हुआ? पहले डिक्रीज हुई, जीरो हो गई, और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगी वेलोसिटी। तो सही आंसर है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक है, आंसर की में क्या दिया है? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। किसको डाउट है 19? डाउट बताओ मेरे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कंपलसरी है, मतलब विच इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक? तो ऐसा क्या है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जरूर होता है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी। तो देखो, ये प्रोजेक्टाइल गया हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी जीरो जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। एक्सिलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सिलरेशन का डायरेक्शन ग्रेविटी, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बने, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनना चाहिए। तो अगर आप छत पे खड़े होके फेंकोगे तो आप हॉरिजॉन्टल ही फेंक सकते हो, एंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बने, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप परफेक्ट हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड होने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर है नन ऑफ दीस। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। होना ये चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, तो जैसे ग्रेविटी वाला होता है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसका इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बनना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसका कुछ एंगल होना चाहिए। तो जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, तो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का कोई एक एंगल बनेगा। अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में रखोगे, तब तो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहे और इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बनाता रहे। सर, ओके सर, हम ये भी मान सकते हैं अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला बेटे? हम ये भी कह सकते हैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करते हो, या आप किसी ऐसी दुनिया में जाते हो जिस दुनिया में ग्रेविटी टेढ़ी है, मान लो एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे ग्रेविटी टेढ़ी लग रही है, तो आप अगर परफेक्ट वर्टिकल भी उछालोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी जीरो है, फिर भी ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा आपका।
तो ये बेटे ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा एक्चुअली, जो बेसिकली जो मैंने कहा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के अलोंग वेलोसिटी नहीं लेनी है, उस एक्सेलरेशन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए लेनी। अब एंगल बनाते हुए लेनी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे जीरो हो चाहे ना हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने पूछा था क्वेश्चन बेटे युवराज, युवराज बेटे आपने अच्छा डाउट पूछा है, आपका दिमाग बढ़िया काम कर रहा है एंड आई वॉन्ट यू कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस जरूर पूछो। क्वेश्चंस पूछना अच्छे दिमाग होने की पहचान है, हर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बेटे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप सारे लोगों का दिमाग उस क्वेश्चन का आंसर सोचेगा, तो ये आसान काम है क्योंकि मैंने क्वेश्चन दे दिया है और आप क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं। तो आप लोगों के में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक भी सवाल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पूछना मुश्किल काम है, आंसर देना आसान काम है, और अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने में बिल्कुल घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है। चलो थैंक यू युवराज फॉर वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बेटे सर, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि दोनों में 180 डिग्री एंगल हो, 0 डिग्री भी सर, अगर वो सर आपने कहा ना सर हॉरिजॉन्टल पे, सर 0 डिग्री भी तो हो सकता है सर, 0 डिग्री से इंक्लाइंड हो सर, तो हॉरिजॉन्टल ए एक ऑप्शन है। पहले तो कौन बोल रहा है, अपना नाम बताइए। सर अश्विनी। कौन? अश्विनी। फिर से बताओ बेटे नाम अपना। सर अश्विनी। ओह डोंट वेस्ट, आवाज आपकी इंटरप्ट हो रही। चलो एनीवेज बेटे, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज एक्सप्लेन करो दोबारा। सर ऑप्शन ए में सर इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, सर आपने कहा नहीं हो सकता सर, अगर सर आपने कहा सर अगर नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट बेटे, एक मिनट। देखो मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा। मैंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये जरूरी नहीं। दोनों बातों में फर्क है ना बेटे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये हो नहीं सकता। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, ये तो देखो यहां पे ही हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड हो। जैसे हम अगर छत पे खड़े होके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंक दें तो हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैंने कहा। आपकी बात और मेरी बात अलग अलग है बेटे, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, आप कह रहे हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में लिखा है विच इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जो होना ही चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए ऐसा होना ही चाहिए, ये नहीं। हाँ बेटे कौन पूछ रहा है? चाहत। चाहत बेटे हाँ बोल। सर अगर एंगल 180 डिग्री हो फिर तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ही। हाँ बेटे, अगर 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, 180 डिग्री मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट, दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सर फिर नेसेसरी कंडीशन तो नहीं। क्या चीज बेटे? सर आपने कहा था नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में, वेलोसिटी एंगल होना चाहिए बेटा। हां एंगल होने का मतलब सम एक्यूट एंगल, नाइदर 0 नॉर 180, देयर मस्ट बी सम एक्यूट एंगल। ओके सर, एक्यूट और ऑब्ट्यूस व्हाटएवर। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा ध्यान दे दिया, इसकी इतनी औकात नहीं। डाउट है सर। हाँ बेटे थोड़ा सा लाउड वॉइस में पूछोगे सो दैट आई कैन हियर यू। सर जो इसकी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है मॉड्यूल में, उसमें लिखा है कि बॉडी इज थ्रोन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस सम एंगल में 0 डिग्री भी इंक्लूड होगा? देखो बेटे
जो डेफिनेशन आपको दी गई है प्रोजेक्टाइल की, जब आपको पढ़ाना शुरू किया गया था प्रोजेक्टाइल मोशन, तब आप समझते नहीं थे ना प्रोजेक्टाइल के बारे में ज्यादा, तब तो नहीं जानते थे आप, चैप्टर जब शुरू हुआ था, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर की शुरुआत में आपको थोड़ी सी लूज बात बताई जाती है, जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाए। एक बार आप समझने लगते हो, उसके बाद जो करेक्ट वर्जन है वो बताया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन पहले, तो अपना नाम बताइए। प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु शर्मा, क्या आप जानते हो बेटे वेक्टर क्या होता है? यस सर। क्या होता है? क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, तो ये आपकी डेफिनेशन बेटे गलत है। सारे बच्चे मेरी बात को सुनना, ये डेफिनेशन रॉन्ग है। लेकिन अब क्या होता है, शुरुआत में बच्चों को इस तरह सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों को वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनको इस तरह से बताया जाता है कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों है, वो वेक्टर है। लेकिन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आया होगा, अब उन्हीं बच्चों को मेरी बात समझ में आएगी जिन्होंने मॉड्यूल सॉल्व किया है वेक्टर का। मॉड्यूल में क्वेश्चन आया है कि अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो क्या वो जरूरी है वेक्टर है, और उस क्वेश्चन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। तो अब मैं आपको वेक्टर की सही डेफिनेशन देता हूं, ठीक है बेटे? देखो, वेक्टर की सही डेफिनेशन ये है, वेक्टर क्वांटिटी वो है जो वेक्टर की तरह बिहेव करे, बस खत्म हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेक्टर क्वांटिटी वो है जो वेक्टर की तरह बिहेव करे। वेक्टर की तरह बिहेव करे मतलब वेक्टर की तरह ऐड हो, वेक्टर की तरह सब्ट्रैक्ट हो, वेक्टर की तरह डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करे, जैसे मैग्नीट्यूड हो चाहे ना हो, चाहे डायरेक्शन हो चाहे ना हो, अगर वो वेक्टर की तरह बिहेव करेगी तो वो वेक्टर हो गई, और की तरह अगर बिहेव नहीं करेगी तो वेक्टर नहीं है। तो डायरेक्शन होना ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। प्रियांशु, समझ रहे हो बेटे? यस सर। तो मैं सिंपली लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी व्हिच फॉलो वेक्टर एडिशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटे कुछ रिप्लाई करोगे कि मैं यूं ही बताता जा रहा हूं? आज आप लोग रिप्लाई जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश दिस डिस्कशन। जुबैर को क्लियर हो गया? प्रियांशु, आर यू लिसनिंग? सर आपकी इंटरनेट में आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस लैग हो रहा है सर। मेरे कनेक्शन में दिक्कत है? यस सर। यस सर। हाँ बेटे, हो सकता है क्योंकि एरिया में लाइट नहीं आ रही है, मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी का आज प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ नो लाइट हियर। तो ऐसा आप लोग जो कह रहे हो, ये पॉसिबल है कि आज कनेक्टिविटी में दिक्कत हो। तो आप लोगों को मेरी वॉइस बीच में कट कट के आ रही है? यस सर। सर अभी प्रॉपर आ रही थी, पर सर वीडियो ब्लर आ रहा थोड़ा। हाँ, स्टार्टिंग में वीडियो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम चल रही है, तो देन देयर इज नो पॉइंट इन टुडेस डिस्कशन। आज का डिस्कशन हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो आधे बच्चों को तो बात समझ में आएगी नहीं और डिस्कशन हो जाएगा सारा वेस्ट। तो वी विल कीप दिस डिस्कशन सम अदर डे, वी विल कंपनसेट फॉर टुडे। अब ठीक है सर, क्लैरिटी भी हो गई। हाँ बेटे, हो सकता है बिकॉज बताया ना कि मेरे एरिया, आप लोगों के एरिया में आ रही लाइट? यस सर। नहीं सर।
सर आ रही है लाइट। जीत रोड वाले एरिया पे नहीं है। यस सर, अजीत रोड वाली जगह पे नहीं है। मैं हम लोग अजीत रोड वाली जगह पर ही है ना, यहाँ पे लाइट। हाँ जी सर, तो उस वजह से मे बी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी लूज जा रही है। तो आज आज ऐसा करते हैं, आज का डिस्कशन पोस्टपोन कर लेते हैं, किसी और दिन रख लेंगे। और किस जिस दिन रखा जाएगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, फिर डिस्कशन कब रख रहे हैं, ठीक है? तो मैं आगे का होमवर्क अलॉट कर देता हूँ, आज होमवर्क अलॉट कर देता हूँ आज। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लो। एक्सरसाइज E6 तो मैंने कर दिया है डिस्कस, खत्म हो गया है। एक्सरसाइज E4 के डाउट्स रहते हैं 35 to 43, ये पुराना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने कर लिया है, केवल डिस्कशन पार्ट पेंडिंग है। एक्सरसाइज E7 हमें डिस्कस करना है, और अगले सेशन में मैं इसमें इंक्लूड करूंगा एक्सरसाइज E8 को, ठीक है? E8 को इंक्लूड किया जाएगा। E8 थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन मेरा ख्याल है सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को मैं हिंट कर दे रहा हूँ, E8 का पहला क्वेश्चन में हिंट कर दे रहा हूँ, सबको डाउट होता है इस पे। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। इतनी हिंट के साथ मैं आपको आज के लिए ऑफ कर रहा हूँ सेशन को, क्योंकि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। अगले सेशन में नेक्स्ट ट्यूजडे मैं इन्फॉर्म करूंगा एक एक्स्ट्रा सेशन कब रखा जाएगा। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, लेट अस लीव दिस मीटिंग। ओके सर।